नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं एका नवीन व्हिडिओमध्ये। आणि आज आम्ही चाललो आहे कल्याण। आमच्या बँकेचे मॅचेस आहेत, तर स्वप्नील आणि विशाल, तर आम्ही तिघे आता चाललो आहोत आणि पुढे आम्हाला अंधेरीला आणखी प्लेयर मिळतील। चार प्लेयर आलेले आहेत, अजून तीन प्लेयरचं वेट करतो आम्ही। तर थोडा आणखी टाईम लागेल आम्हाला, 15 मिनिटं तरी, तर बघूया किती वेळामध्ये येतात। आम्हाला पोचायचं आहे घाटकोपरला जवळजवळ 6:30 पर्यंत। डोंबिवली पार्टी देना पडेगा और एक लेट आने वाले, तो मतलब दोनों कंबाइन करके पार्टी देना है। गोइंग टू टेक ब्रेकफास्ट, बिकॉज ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी है, खाएंगे तो एनर्जी आएगी। हमारे ऑलमोस्ट 8 प्लेयर यहाँ पे रेडी है, 3 प्लेयर आना बाकी है, उनका वेट कर रहे हैं। तो आओ खाते इडली। सबसे बड़ा उपकरण है देखो। हाँ, ये गोरेगाव बांध का सबसे बड़ा बुकर समझ लीजिए। कैसी टेस्ट है? एक नंबर, एक नंबर। पहिली मॅच सुरू झालेली आहे, तर ते तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करेन मी। ग्राउंड आलेलं आहे जवळ, पहिली मॅच सुरू आहे, 8 वाजता मॅच सुरू झालेली आहे। गोरेगाव टीमची मॅच 9 वाजता सुरू होणार आहे, तोपर्यंत थोडी प्रॅक्टिस करून घेऊया। हे ग्राउंड आहे डोंबिवलीमध्ये, डोंबिवलीपासून 20 मिनटे अंतरावरती एक अनंत म्हणून एक ठिकाण आहे, ज्या तिथून 10 मिनिट चालण्यासाठी लागतात। तर हे आहे ग्राउंड, ते इथे आहे उज्जीवन बँकेचे मॅचेस UPL। सर्वीकडे धुका आहे, धुक्यामधून ही मॅच सुरू आहे। इकडे असे मॅचची अरेंजमेंट केलेली आहे, हा समोर स्टेज आहे। आतापर्यंत 3 चौकार। स्कोर काय?
किसको झाला वेल बैटिंग विजय, वेल बैटिंग, चार रन तो पिच गड़बड़। इसमें जो बोलेगा पूरा यूज कर रहा है सर्कल का, देख बहुत अच्छे बहुत अच्छे। रन कितना, रन रन एक मदरा से की लेची 55 किती स्कोर झाला आता? आम्ही 55 मारले आहे, आम्हाला आता 13 रन पाहिजे। कोण गाली देगा? सामने मारा 63 दोन्ही विनंती आहे। बोरोली रेंजरनी मैदानाचा ताबा घ्यावा, ग्रेट वॉरियरची बॅटिंग आहे। भरत जोमात बॉलर कोमर, उत्कृष्ट असा षटकार झालेला आहे। पुन्हा एकदा व्हिडिओ काढतोय, व्हिडिओ काढतोय। या सामन्याचा सामनावीर ठरलेला आहे गोरेगाव संघाचा उत्कृष्ट फलंदाजी करत त्यांनी संघांना विजय प्राप्त। तो जानते अमित सर से कि आपको मैच जीत के कैसा लगा? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, हमने हमारी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बैटिंग थोड़ी हमारी फील्डिंग खराब रही, लेकिन हमने बैटिंग में सारे कवरअप किए, बैटिंग बहुत अच्छी रही, 10 विकेट से जीते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह से हम ये टूर्नामेंट जीतेंगे। तो विजय एंड स्वप्निल स्टार्ट किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया, इसी तरह से हमारी टीम खेलती रही। दूसरा मैच हमारा रखा हुआ था टीम गोरेगांव ग्लैडिएटर्स और एमएससी रॉकर्स, टॉस हमने जीता था और सारी टीम के हिसाब से हम लोगों ने अच्छा डिसीजन लिया। पहले हम लोग चेसिंग के ऊपर गए, फील्डिंग बॉलिंग हम लोगों ने लिया हुआ था। एमएससी रॉकर्स ने 68 रन बनाया हुआ था, 69 पे विन था, और मतलब इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू चेस, लेकिन हमारे टीम बहुत कॉन्फिडेंस थी। और स्टार्टिंग के एक दो ओवर थोड़े हमारे घर खराब गए थे, जिसमें एमएससी और रॉकर्स ने ज़्यादा रन बना लिया था, लेकिन उसके बाद में विजय और विशाल और सदाशिव ये लोगों बॉलर की वजह से थोड़ा रन दब गए, तो भी 68 पे ऑल आउट किया हुआ है, ऑल आउट नहीं सॉरी ऑल ओवर खत्म किया हुआ है। उसके बाद में हमारी बैटिंग में पहले ओपनिंग उठे थे विजय और स्वप्निल, और ये हमारे नॉकआउट मतलब 0 विकेट पे हम लोगों ने 3 ओवर में मैच जीता हुआ है, और बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी किया हुआ है हमारे विजय, जो मैन ऑफ द मैच बने हुए। तो विजय प्लीज, विजय हमारे यहाँ पे मैन ऑफ द मैच बने और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया इन्होंने, और सर ब्लॉग है, और बहुत ही अच्छे से ये लोग ने खेला हुआ है, और मेरा बेस्ट ऑफ लक है विजय को, आगे भी ऐसे ही खेलना है उसके पूरे। कॉन्फिडेंट है कि ये कप जो हम लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट किया था, इस बार वापस से वो हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, और ये कप टीम गोरेगांव लेके जाने वाली है। जस्ट 100% हिप 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 हिप।